हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्व सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। हरी सब्जियाँ हम सभी जानते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक और न्यूट्रिशियस होती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक के पराठे। पालक के पराठे आपने बनाए होंगे, उसको ब्लांच करके, उसकी प्यूरी करके, बट आज मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि पालक के पराठे हम कैसे बनाएंगे। तो मेरे साथ मेरी इस रेसिपी में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप जान पाएंगे कि ये डिफरेंट सा तरीका क्या है और कैसे हम पालक के जो न्यूट्रिशन है उसको इंटैक्ट रखेंगे, बहुत ज्यादा उसको ओवर प्रोसेस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पालक के पराठे बनाने के लिए हमने पालक को अच्छे से वॉश करके इसको ऐसे रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पालक की जो कच्ची कच्ची डंठल होती हैं उनको भी चॉप कर लिया है। हम सब जानते हैं कि पत्तियों से ज़्यादा न्यूट्रिशन उनकी डंठल यानी कि स्टेम्स में होता है। तो जो कच्ची थी उनको मैंने चॉप कर लिया है, जो पकी हुई हैं या काफ़ी मोटी हैं उनको आप छोड़ सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको रफली चॉप कर लिया है और अब हम इसको कुक करेंगे। कुक हम इसको ब्लांच नहीं करेंगे, इसकी प्यूरी नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। मेक श्योर कि आप कभी भी हरी पत्तेदार सब्जियों को आप एल्युमिनियम के बर्तन में ना पकाएं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टील की कढ़ाई। तो इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी एक चम्मच जितना देसी घी। देसी घी में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और जैसे ही हमारा जीरा ब्राउन होने लगेगा मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। तो हल्दी से क्या होगा, जो कलर है पालक का वो बहुत ब्राइट होके आएगा। यहाँ पे अब मैं अपना ये पालक इसमें ऐड कर दूँ। साथ ही इस पालक के मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, तो मैं इसको ग्रेट करके इसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ पे हम इसको बस एक बार चलाएंगे और इसको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करके कुक करेंगे। यहाँ मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो पालक है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, तो नमक की अंदाज़ा आपको नहीं पड़ेगा इस टाइम पे, हम नमक बाद में ऐड करेंगे। तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा, तो बस मैं इसको कवर करूँगी और बस 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ही जो हमारा पालक है वो अच्छे से कुक हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया है। तो इसको बस हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसको हमें प्यूरी नहीं करनी है। आगे का प्रोसेस मैं इसका ठंडा होने के बाद बताऊँगी। तो ये जो पालक का मिक्सचर है ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च और नमक। तो नमक आप थोड़ा सा कम करके ही डालें क्योंकि पालक अगेन थोड़ा सा खारा होता है, तो ज़रा सा भी अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम इसी पालक में इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अब जो हम आटा लगाएंगे इस पालक के पराठे के लिए वो हम इसी में ही आटा ऐड करेंगे, इसकी फिलिंग हमें नहीं करनी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे, बट हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। जितना मॉइस्चर इस पालक में है उसी में जितना आटा हम लगा सकते हैं उतना हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि पानी आपने कितना ज़्यादा सोक किया था पालक का और पालक ने कितना पानी छोड़ा है। तो इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट आटा हमारा
लग के बिल्कुल तैयार है और मैं इसको रेस्ट करूंगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि जो आटा है वो थोड़ा सा फूल जाए और इजी रहे हमारे डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस डो को लगा सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन या मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो डो को रेस्ट करे हुए 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इनके पराठे बनाते हैं। तो इसमें आप एक बार लोट जरूर लगा लें, इससे होगा क्या जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और चिकना हो जाता है, क्योंकि आटा फूलने के बाद जो क्रैक्स आते हैं पराठे के एजेस पे वो सब नहीं आएंगे और बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल आपका ये आटा तैयार हो जाएगा। तो इसमें से हम थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और इनके इस तरह से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। मैंने पहले अपने चैनल पे पालक पनीर के पराठे भी डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो भी बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। और साथ ही मैंने एक पालक पिज़्ज़ा का वीडियो भी डाला है जिसमें आपको पिज़्ज़ा के बेस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली आप सिर्फ पालक का यूज़ करके उसका बेस तैयार कर सकते हैं, कोई मैदा नहीं है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है पिज़्ज़ा का। अगर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं पिज़्ज़ा के लिए, बहुत मन करता है, डेली फरमाइश करते हैं आपको, तो आप वो रोज़ उनको बना के खिला सकते हैं, वो इतना हेल्दी है। तो इस तरह से हमने सभी पेड़े अपने तैयार कर लिए हैं और अब हम अपने पराठे बनाना तैयार करते हैं। ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको मैं सूखे आटे में डस्ट करूँगी। और हमेशा आप कोई भी पराठा बनाएं, कोशिश करें कि सूखे आटे को जितना कम से कम आप लगाएंगे पराठा बेलते समय, उतना ही वो सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने पराठा बेल लिया है और यहाँ पे ये तवा मेरा तैयार है। तो यहाँ पे मैं तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है और मैं उसके ऊपर अपना इस पराठे को डाल दूंगी और इसको हम सिकने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही फ्लिप करेंगे। कच्चे पराठे को अगर आप फ्लिप करेंगे तो वो इवनली सिक नहीं पाएगा और हो सकता है कि वो फूले भी ना। जब तक आपका वो पराठा सिक रहा है तवे पे, उस टाइम को आप यूटिलाइज करें दूसरा पराठा बेलने के लिए। इस तरह से बहुत एफिशिएंटली कुकिंग हो पाती है और बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरा दूसरा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो ऊपर की जो लेयर है वो हल्की सी कुक हो गई है, इस टाइम पे मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए, तो इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इन पराठों को मैं सेक रही हूँ सरसों के तेल में। इसको हमें दबाते हुए सेकना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप दबा के नहीं सेकेंगे पराठों को तो वो अंदर तक खस्ता और क्रिस्प नहीं होंगे। बहुत लो फ्लेम पे पराठे ना सेकें, उससे आपके जो पराठे हैं वो कर्रे हो जाएंगे, बहुत टाइट रहेंगे। तो बहुत जल्दी ये पराठे बन जाते हैं और इन पराठों के साथ आपको किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो हमारा पराठा है वो थोड़ा थोड़ा सिक गया है। तो पराठों में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने पहले उसको फ्लिप कर लिया तो वो कच्चा रह जाएगा और अगर बाद में फ्लिप किया तो वो कर्रा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी टाइमिंग सही है और आपने पराठा बेला परफेक्ट है, मतलब इवनली बेला है, तो इस तरह से ये फूल जाएगा पराठा। तो इसी तरह दबा दबा के दोनों तरफ से पराठों को सेके और जितना क्रिस्पी करारा आप चाहते हैं तब तक इनको सेक सकते हैं। इस पराठे को आप एंजॉय करें आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो जब भी आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इस तरह से पालक के पराठे बनाएं, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी हैं और झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। ना इसमें ब्लांच करने की ज़रूरत है पालक को और ना ही बहुत देर पकाने की। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें और मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी एंड ईजी टू मेक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।